तो भैया वाली गाड़ी अपनी हुंडई सोनाटा हाइब्रिड 2023। नीतीश मिस्त्री ने घास काट दिया भाई, आज मस्त हो गया सारा। चल भाई साहब पेटे देखो पत्ते पत्ते हिला भाई देख लो। राम राम भाई सारा ने, और भाई क्या हाल सारा के, उम्मीद करें सारे ठीक होंगे, मौज में होंगे। तो भाई आज फिर एक और नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज बनानी अपन ने गाड़ी की वीडियो। गाड़ी के बारे में बताऊंगा कौन सी गाड़ी है, क्या हिसाब किताब है, कितने की पड़ती है, क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, जो भी चीज़ है सारी, कितना तेल खावा है, ए टू जेड चीज़ें बताऊँगा आपको गाड़ी के बारे में। चलते हैं फटाफट वीडियो में, गाड़ी दिखाता हूँ आपको। ये वाली गाड़ी अपनी हुंडई सोनाटा हाइब्रिड 2023, और ये अर्पित की गाड़ी, और ये वाली भाई आकाश की गाड़ी, इनकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, इस गाड़ी की और इस गाड़ी की टाउज। ये भी 2023 हमने साथ में ही ली थी दोनों ने, थोड़े से गैप में। के भाई साहब भाई देखो भाई देख लो। तो भाई चलो वीडियो बनाते हैं इसकी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शोर है, यहाँ पे एक अपने पीछे ग्राउंड सा पड़ा है खाली, वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ वीडियो बनाता हूँ। गाड़ी में आ गया हूँ मैं, अभी चलते हैं अपने पीछे ग्राउंड में उतर का, और फिर वहाँ पे दिखाता हूँ आपको गाड़ी को अच्छे से बाहर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है। गाड़ी लेना नहीं लेना हर एक अलग अपने अपने हाल, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। किसी को भाई गाड़ी लाइबिलिटी लगती है, किसी को अपनी एसेट लगती है, तो सबको सबकी अलग चॉइस है। किसी को तुम कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई तूने गाड़ी क्यों ले ली नहीं ले ली। सबसे मेन चीज है तुम अपनी जरूरत देखो कि भाई तुम्हें जरूरत किस लिए है गाड़ी की। सिर्फ इसलिए गाड़ी मत लो कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो कि तुम्हें जरूरत कितनी है गाड़ी की, तुम कितनी चलाओगे, क्या सीन है, क्या चक्कर है। जब वो सारी चीजें तुम्हें कन्फर्म हो जाए तब जाके गाड़ी देखो कि हाँ ये वाली गाड़ी ठीक है और ये गाड़ी मैं ले सकता हूँ। तो सबसे पहले भाई देख लो आप अपना एरिया, ये जो एक गली है भाई घर के साइड में ही थोड़ी सी, और ये वो जो वाला टायर है अपना, इसके सामने हमारा घर है, और ये जो एरिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा फार्मिंग वाला एरिया है, मतलब बहुत छोटा सा एक प्लॉट है ये यहाँ पे बिल्कुल, ये यहाँ से इसकी ट्रेल जाती है यहाँ पे जाके, और यहाँ पे बिल्कुल बीच में इन्होंने छोटे छोटे प्लॉट बना रखे हैं 4x6 के और 4x2 के, तो वहाँ पे आप अपना छोटा मोटा जो भी खेती करनी है वो कर लेते हो। तो आते हैं हम अपनी गाड़ी पे, तो ये देख लो भाई, ये है अपनी हुंडई सोनाटा 2023 हाइब्रिड अल्टीमेट। अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्रंट से गाड़ी का लुक, तो यहाँ पे मिलती है हमें, सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं, तो 4 आइस क्यूब्स के साथ मिलती है, 1, 2, 3, 4, 4 आइस क्यूब मिल जाती है हमें, और चारों, ये 2 अपनी लो लाइट के लिए और ये अपनी हाई बीम के लिए। फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं तो पूरा क्रोम मिल जाती है, क्रोम एंड ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, साथ में बीच में अपनी नंबर प्लेट आ गई। और यहाँ पे अगर आप फ्रंट पे देखोगे तो ये जो है छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, ये है 360 कैमरा के लिए। बात करते हैं अलॉयज की, तो अलॉयज में हमें इसमें मिलते हैं 215, 55, 17। 215 का मतलब होता है जो इसकी चौड़ाई है, टायर की कितनी चौड़ाई है, और 55 का मतलब होता है ये जो रेशियो है ये कितनी है, और 17 का मतलब है रिम की जो डायमीटर है वो कितना है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो गाड़ी बहुत ही लंबी है, और एक सेडान के मुकाबले, मतलब अगर आप नॉर्मल सेडान से कंपेयर करोगे, अगर इंडिया में कंपेयर कर रहे हो, तो जो वेन्यू होती है वेन्यू से ये बहुत ज़्यादा थोड़ी, मतलब थोड़ी सी लंबी है, जिसके वजह से हमें अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। और साइड में अगर साइड मिरर की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है इंडिकेटर, नीचे मिल जाता है कैमरा 360 कैमरा के लिए, और यहाँ पे अपने रियर व्यू मिरर, डोर हैंडल्स, और इसमें आती है कीलेस एंट्री, और ये बटन इसे आप बंद कर सकते हो और खोल सकते हो गाड़ी को। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपना डोर प्रोटेक्टर, अगर कोई गाड़ी खुलती है तो उस पे वे लगे ना, और रियर डोर पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मिल जाती है हमें गैस डालने के लिए जगह, अगर पीछे से बात करें तो पीछे से पूरी जो है DRL टाइप लाइट मिल जाती है, जो दिन में पूरी जलती है और रात में भी पूरी जलती है, जैसे ही आप ब्रेक मारते हो ये वाली ब्रेक लाइट्स हैं और यही इंडिकेटर है। तो कनाडा में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि भाई तुम्हें येलो इंडिकेटर चाहिए, तुम लाइट्स में इंडिकेटर दे देती है कंपनी, तो यही इंडिकेटर हैं और यही लाइट्स हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर, और इसमें बीच में जो है अपना जो रिवर्स लाइट है, और यहाँ पे सोनाटा की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे हुंडई का लोगो, यहाँ पे लगा हुआ बैकअप कैमरा, और अगर बूट की बात करें तो बूट भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। ये इसमें जो है अपने को स्पेयर टायर नहीं मिलता है, स्पेयर टायर की बजाय हमें मिलती है ये जो है अपनी पंचर रिपेयर किट, जो आप अगर आपकी गाड़ी में पंचर हो जाए तो आप लगा सकते हो। मेरी गाड़ी में भी रिसेंटली हुआ था, हफ्ते पहले, तो मैंने उसका यूज़ किया था। चारों तरफ इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, पिछले बम्पर में 6 सेंसर हैं, और यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है,
यहाँ पे भी वही अपने डोर गार्ड्स लगा रखे हैं। अगर रूफ की बात करते हैं भाई, तो पूरी ऑल ब्लैक रूफ मिलती है और पूरी ग्लास की रूफ है यहाँ से लेके और यहाँ तक, जिसको हम बोलते हैं मून रूफ। तो ये जब ये वाला पार्ट है, ये खुल के इसके ऊपर आ जाता है, ये अंदर से ऐसे और ये पीछे इसके ऊपर आ जाती है। कई गाड़ियों की जो है शीशा जो वो अंदर जाता है छत में, और कईयों का ऐसे पीछे निकलता है। तो साइड डोर पे अगर आप देखोगे तो पूरा ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको चाइल्ड लॉक के साथ, और साइड मिरर्स आपके इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हो। बोस का म्यूजिक सिस्टम है जो कि बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। मेमोरी सीट्स भी आपको मिल जाती हैं। और अगर सीट की बात करते हैं तो फ्रंट लेफ्ट राइट सॉरी आगे पीछे बात करते हैं अंदर से स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का, यहाँ पे गाने आगे पीछे करने का, यहाँ पे मोड फ़ोन उठाने का काटने का, यहाँ पे क्रूज़। और इसमें गाड़ी में भाई बहुत अच्छा क्रूज़ है, एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। सो अगर आप इसको सेट करके छोड़ देते हो अगर 120 पे, तो गाड़ी जो है अपने आप चलती रहेगी, इसके आगे जो भी गाड़ी होगी इसको फॉलो करती रहेगी, लाइन नहीं चेंज करेगी। बट उसको अगर वो कम हो रही है तो वो कम हो जाएगी, रुक रही है तो वो रुक जाएगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। सेंटर कंसोल की बात करें तो मिल जाते हैं अपने को ड्यूअल टेम्परेचर कंट्रोल विद हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड बैक सीट्स आर ओनली हीटेड। यहाँ पे स्टीयरिंग हीटेड जो भी आप कंट्रोल करना चाहें जिस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं हमें एसी वेंट्स दोनों साइड, यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 9 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलती है, और यहाँ पे जो है अपना इसको ग्लव बॉक्स मिल जाता है अपना, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पे अंदर तक इसमें जो है डैशबोर्ड में पूरी में लाइटिंग दे रखी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे डोर्स में भी। इसमें जो है अपने को गियर लीवर नहीं मिलता, सिर्फ बटन्स मिलते हैं, तो बटन से आप ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स और आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल दे रखे हैं पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के, व्यू मतलब जो आपको 360 व्यू अगर इसमें चाहिए तो वो देख सकते हो। अगर ऊपर की बात करें तो जो है मिरर मिल जाता है जो कि ऑटो डिमर है, रात को अपने आप जो है डिम कर देता है लाइट को पीछे से। और यहाँ पे लगा रखा है डैश कैम जो कि आउटसाइड कैप्चर करता है और इनसाइड कैप्चर करता है। तो इसकी वायरिंग जो है अंदर से ले जाके यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल टोटली इनसाइड है एवरीथिंग, और यहाँ पे जाके इसकी सिर्फ ये वाली वायर जो है ये दिखती हैं, इनको बोलते हैं एटमॉस्फेयर लाइट्स। तो इनकी वायरिंग है, इनकी वायरिंग भी यहाँ से बिल्कुल अंदर से खोल खाल के सीट्स के नीचे से ले जाके, और इसकी भी सिर्फ यही वायर दिखती है जो कि इसमें लगी हुई है बस। और यही कुछ अपनी फ्रंट सीट, अभी जो है अपना अगर ड्राइव में है तो अपने को फ्रंट कैमरा दिखा रहा है और साथ में पूरा 360 व्यू दिखा रहा है। अगर हम इसमें रिवर्स डाल देंगे तो ये हमें बैक का व्यू दिखाएगा और साथ में जो है 360 दिखाएगा। फिर से पार्क दबाते हैं और को चला के दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये देखो साथ की साथ जो है कैमरा चलता रहेगा, बट ये कैमरा जो है अगर 13 की स्पीड से ऊपर चली जाएगी गाड़ी तो ये बंद हो जाएगा फॉर सेफ्टी रीजंस, कि आप अगर आप इस पे ना ध्यान देते रहो इसलिए जो है ये 13 से ऊपर जाके बंद हो जाता है। और मिल जाता है हमें इसमें अपना हेडसअप डिस्प्ले जो कि शो करता है स्पीड लिमिट और जो भी आप अगर आप इसमें नेविगेशन यूज कर रहे हो तो डायरेक्शन उसमें दिखाता है सारी। फ्रंट सीट की बात कर ली है, आ जाते हैं अपनी बैक सीट पे। बैक सीट पे अगर आप देखोगे तो जो फ्रंट वाली सीट है वो मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, और उसके बाद भी अगर आप बैठते हो तो अच्छा खासा जो है लेग स्पेस मिल जाता है। मैं हूँ, मेरी हाइट है 5'7", आई थिंक 6 फुट वाला बंदा भी अगर सामने बैठता है तो पिछले वाले को इतनी दिक्कत नहीं होगी। पिछली सीट भी हमें हीटेड मिल जाती है तो यहाँ से आप उनको हीट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इंजन की बात करते हैं तो मिलता है हमें इसमें 2.0 टर्बो जो है पेट्रोल इंजन, और साथ में मिल जाती है हमें हाइब्रिड मोटर जो है बैटरी से चलती है और ये अपना पेट्रोल से चलता है। तो कुल टोटल करके ये हमें अच्छी खासी जो है गैस माइलेज देते हैं। एक बार टंकी फुल कराओ तो ये आराम से 900 से ऊपर किलोमीटर चलती है, 900 से 1000 के बीच में चलती है, जो कि अपना आता है 5 लीटर से 5.5 लीटर के बीच में 400 किलोमीटर्स। सो इन इंडिया वी कैन से 20 लीटर्स पर किलोमीटर, सो 20 किलोमीटर पर आवर की जो है माइलेज देती है गाड़ी। अगर की बात करते तो मिल जाता है इसमें लॉक अनलॉक बटन, होल्ड करे रखोगे तो जो है अपना गाड़ी का बूट खुल जाएगा, और होल्ड वाले बटन से अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है। इससे जो आगे पीछे होती है जो कि बहुत ही खास फीचर है गाड़ी का, आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको करेंगे स्टार्ट, अब जो है गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, 3 बार ब्लिंक करेगी और स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो बहुत खास फीचर है गाड़ी में वो है अगर आप इसके बटन से जो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ये वाला बटन अपने आगे करने के लिए, अगर इसको गाड़ी स्टार्ट होगी अगर इसको होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी जो है अपने आप से आगे चलने लग जाएगी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पीड पे। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने पार्किंग में लगानी, बहुत टाइट पार्किंग में खड़ी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा बटन अगर दबाएंगे तो गाड़ी जो है पीछे की साइड आ जाएगी, पीछे आने लग गई। आप कितनी भी दूर लेके जा सकते हो बट बस आपको गाड़ी के 5 मीटर के अंदर अंदर होना चाहिए तो ये चलती है। अगर 5 मीटर से दूर हो गए तो गाड़ी नहीं चलेगी। फिर आप अगर आप फ्रंट वाला दबाते हो तो जो है फ्रंट में चलने लग जाएगी। ये वाला फीचर भाई बहुत कम गाड़ियों में आता है, हुंडई की गाड़ियों में ही मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, वो भी बहुत ज़्यादा जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं इसकी तरह उन्हीं में आता है। एक इसमें आता है और एक ट्यूकसॉन में आता है। बाकी यही था अपनी गाड़ी के बारे में मेन मेन फीचर्स। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो जो इसका बेस प्राइस था विदाउट टैक्सेस इन कैनेडा वो था 43,000, और उसके बाद जो है गैप इंश्योरेंस हुई 2600 की, तो वो ऐड करके और उसके बाद जो है टैक्सेस वगैरह सारे टैक्सेस वगैरह ऐड करके इसका फाइनल प्राइस जो बना था वो बना था $54,000। 7 साल का लोन है, 7 ईयर्स ऑफ लोन, जो कि 5.99% पे मिला है, और उसको मिला के जो इसकी किस्त बनती है बाई वीकली जो इसकी आती है वो होती है 360। सो 360 बाई वीकली दो इसकी किस्तें आती हैं, और इसका इंश्योरेंस है $400। सो मोटा मोटा अपना 1100 के आसपास हो जाता है। पेट्रोल आपका टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी गाड़ी चलाते हो। मैं जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाता हूँ, मैं महीने की कम से कम 6,000, कई बार 7,000, 6,000 तक चल जाती है गाड़ी, 6 से 7 के बीच में चल जाती है गाड़ी हर महीने। सो डिपेंडिंग आराम से लगा लो पाँच टंकी या 6 टंकी तेल लग जाता है। सो जो कि होता है अपना $300 से लेके 350 से लेके 400 के बीच में पड़ता है। कभी बार प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार पेट्रोल कम ज़्यादा लगता रहता है। सो जो टोटल खर्चा पड़ता है वो अराउंड 1500 खर्चा पड़ता है गाड़ी का। उसके बाद जो है छोटे मोटे खर्चे जैसे कि मेंटेनेंस, अगर आप इतनी गाड़ी चल रही है तो ऑब्वियसली हर महीने सर्विस होगी गाड़ी की, तो जो सर्विस में खर्चा लगता है $70-80 जितने भी लगते हैं। उसके बाद जो है क्लीनिंग का खर्चा और पार्किंग वार्किंग का खर्चा, तो सारे कुल मिला के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो 1500 से लेके 1600 के बीच में गाड़ी पड़ती है। तो पुरानी गाड़ियां भी लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं आज के टाइम पे। और दूसरा, जो पुरानी गाड़ियों में उनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, 7.99 से स्टार्टिंग होती है। सो अगर आप इलांट्रा भी बाहर से लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब 270-280 के आसपास उसकी किस्तें आती हैं बाई वीकली, और वही 350-400 के आसपास इंश्योरेंस आता है। तो कोई भी गाड़ी अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो या फिर थोड़ी बहुत चली हुई 1-2 साल पुरानी ले रहे हो तो सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, और थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और इसमें क्या है कि मैंने स्पेसिफिकली ये हाइब्रिड क्यों ली, एक तो हाइब्रिड का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि भाई तुम्हारा तेल बहुत ज़्यादा कम पीती है ये गाड़ी, और जो कि तुम ऑब्वियसली सेविंग है अगर गाड़ी कम तेल पी रही है तो, क्योंकि ऊबर भी करता हूँ तो ऊबर में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस बना देती है गाड़ी। उसके बाद खर्चे आते हैं, मतलब ये मोटा मोटा गाड़ी का खर्चा होता है। उसके बाद ऊबर से आप लगा लो कितने कमाते हो, तो गाड़ी से ऊबर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा ऊबर से तुम आराम से निकाल सकते हो। अगर तुम्हें और ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम ऊबर और ज़्यादा चलानी पड़ेगी, जो कि वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी लेके तुम बहुत ज़्यादा ऊबर चलाओगे तो जो डेप्रिसिएशन वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर आपकी अच्छी जॉब और आपने गाड़ी सिर्फ इधर उधर जाने के लिए लेनी है तो सिर्फ आप, आई विल सजेस्ट कोई अच्छी $8,000-10,000 की कैश की गाड़ी ले लो, वो आपको आराम से 4-5 साल निकाल देगी। अगर आपने ऊबर वगैरह करनी है और ये सब चीज़ें हैं तो कंसिडर करो कि आप हाइब्रिड गाड़ी लो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस करेगी आपको गैस प्राइसेस में। बस यही कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको ज़रूर आंसर करके बताऊंगा। अप टू माय बेस्ट नॉलेज आई विल सजेस्ट कि भाई पहले, सबसे पहले देखो आपने की ज़रूरत क्या है गाड़ी की, उसके हिसाब से गाड़ी लो। बिना बात में आके दिखावे के लिए कोई भी गाड़ी मत लो, अपनी नीड के हिसाब से गाड़ी लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ गाड़ियों से रिलेटेड। अब जो है मैंने कर लिया है अपना, बना लिया प्लानिंग भाई, अब मैं जो है गाड़ियों से रिलेटेड ही आगे वीडियो बनाया करूँगा, सारी जितनी भी होंगी मोस्टली गाड़ियों के बारे में बताऊँगा, क्या कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे क्या कैसी रहती हैं, महंगी गाड़ियाँ सस्ती गाड़ियाँ हर गाड़ी के हिसाब से रिव्यू कैसे हैं गाड़ी के क्या है, सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखें बहुत सारा।